हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पोकेमोन जिन्होंने अपने इवॉल्व रूप को हरा दिया, यानी जो पोकेमोन वो इवॉल्व होने के बाद बनते हैं वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बन गए और उसने अपने इवॉल्व रूप को धूल चटा दी। इतनी ताकत हमारा पोकेमोन 3 चीजों की वजह से पा सकता है। पहली चीज है कि हमने अपने पोकेमोन को बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी हो, मतलब हमने अपने सुबह शाम रात सारा दिन 24 घंटे अपने पोकेमोन की ट्रेनिंग पर ही लगा दिए हो तो उसके अंदर इतनी ताकत आ सकती है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने अपने पोकेमोन को बहुत ही अच्छे और तगड़े अटैक सिखा दिए हो जो उसके इवॉल्व फॉर्म को ना आते हो या फिर उसे सीखने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती हो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि उस पोकेमोन के ट्रेनर ने अपना दिमाग तेज चलाया और स्ट्रेटेजी बनाई जिसकी वजह से पोकेमोन उस तरीके से खेलता है जैसा उसके ट्रेनर ने कहा और वो पोकेमोन अपने ट्रेनर की बदौलत जीत जाता है, जबकि जीतना उसके एवोल्यूशन रूप को चाहिए था। तो हम जानने वाले हैं उन्हीं 5 पोकेमोन को जिन्होंने अपने एवोल्यूशन रूप को हरा दिया। तो चलो यार, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है एश का बीजल। ये पोकेमोन इवॉल्व होता है फ्लोटजल में। एश अपना 4th जिम बैच पाने के लिए लड़ाई करता है जिम लीडर क्रैशर से और क्रैशर के पास होता है फ्लोटजल। वैसे क्रैशर के पास और भी पोकेमोन है लेकिन हमें सिर्फ फ्लोटजल से मतलब है। तो फ्लोटजल और बीजल की धुआंधार लड़ाई होती है जिसमे एश का बीजल पूरी ताकत लगा के फ्लोटजल को हराने की कोशिश करता है, लेकिन बैटल के बीच में बीजल थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है तो एश बीजल को वापस बुलाता है और उसकी जगह पिकाचू को भेजता है। पिकाचू फ्लोटजल की थोड़ी सी हेल्थ पी लेता है लेकिन इतनी सारी नहीं, बस चुनक सी हेल्थ पीता है। फिर एश पिकाचू को वापस बुला के बीजल को दोबारा भेज देता है और भाई साहब, बीजल मैदान में आते ही आग लगा देता है वाटर टाइप होने के बाद भी। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो बीजल अपनी जान लगा के फ्लोटजल को हरा देता है। मतलब एश का बीजल फ्लोटजल के बराबर है। तो एश ने इसे इवॉल्व क्यों नहीं करा, थोड़ी ट्रेनिंग देता तो अच्छा। इसीलिए एश सिनोली हारा था। नंबर 4 पे आता है एश का राउलेट। ये पोकेमोन इवॉल्व होता है डार्ट्रिक्स में और उसके बाद डेसिड्यू में। तो पोकेमोन सन एंड मून के एपिसोड 97 में एश लड़ाई करता है अपने राउलेट के साथ हाउ के डार्ट्रिक्स से। हाउ का डार्ट्रिक्स काफी ज्यादा ताकतवर था, उसने एश के राउलेट को बहुत ज्यादा जलील किया, उसके ऊपर बहुत बुरे बुरे अटैक करे जिसकी वजह से एश का राउलेट हार गया। तुम्हें क्या लगा था एश का राउलेट जीत जाएगा? एश का राउलेट हाउ के डार्ट्रिक्स से हार जाता है और उस मैच में एश जीमूव कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसका बड़ा दुख होता है एश को। तो एश हाउ से कहता है एक और मैच करना है मेरे को तेरे से। तो एश और हाउ एक और बार मुकाबला करते हैं और दूसरे मुकाबले में एश के राउलेट की इतनी बुरी पिटाई होती है, मतलब डार्ट्रिक्स ने ठान लिया था आज तो एश के राउलेट की जान ले लेनी है। और इसके बाद डार्ट्रिक्स अपना आखिरी मूव इस्तेमाल करने वाला था जिससे राउलेट खत्म हो जाता, लेकिन डार्ट्रिक्स के अटैक करने से पहले ही एश ने राउलेट से जी मूव करवा दिया और वो राउलेट का जी मूव इतना ज्यादा तबाही था कि उससे डार्ट्रिक्स की हालत खराब हो जाती है। नंबर 3 पे आता है एश का टेपिक। ये पोकेमोन इवॉल्व होता है पिगनाइट में और उसके बाद एम्बोआर में। तो एश ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड में अपने टेपिक और स्नाइवी के साथ डबल बैटल करता है और एश जिससे लड़ने वाला था उसके पास थे बहुत ताकतवर पोकेमोन और वो थे एम्बोआर और हीटमोर, और ये बहुत ज्यादा डेडली बैटल था। जब ट्रेनर्स दो छोटे छोटे और दो बड़े बड़े ताकतवर पोकेमोन से बैटल कराएंगे तो ऐसा तो होना ही था। टेपिग उन दोनों के ऊपर अटैक करने से घबरा रहा था लेकिन स्नाइवी उन दोनों के ऊपर अटैक करती है। उसी टाइम एम्बोआर भी बहुत बुरा अटैक करता है और अटैक करने के बाद स्नाइवी के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर एम्बोआर का फुल मूड था कि स्नाइवी का हलवा बना दिया जाए, लेकिन उससे पहले वो टेपिग को खत्म करने की सोचते हैं तो वो दोनों टेपिग के ऊपर एक कंबाइन अटैक करते हैं जो कि बहुत खतरनाक था।
टेपिक को बचाने के लिए स्नाइवी आ जाती है बीच में और अटैक इतना खतरनाक था कि वो स्नाइवी के ऊपर लगते ही मैच से बाहर हो जाती है। और टेपिक को ये देख के बहुत गुस्सा आता है तो वो बदला लेने के लिए इवॉल्व हो जाता है पिग नाइट में। हाँ, मैं ऐश के टेपिक की ही बात कर रहा हूँ। टेपिक पिग नाइट में इवॉल्व होने के बाद एक नया अटैक सीखता है और वो अटैक इतना ज्यादा तबाही था कि वो इन दोनों पोकेमोन की कहानी खत्म कर देता है। नंबर टू पे आता है एश का रॉक क्रफ। ये पोकेमोन इवॉल्व होता है लाइकन रॉक में। पोकेमोन सन एंड मून के एक एपिसोड में एश नंबर थ्री की तरह डबल बैटल करता है ओलिविया से। एश इस्तेमाल करता है रॉक क्रफ और राउलेट और ओलिविया के पास होते हैं प्रोबोपैस और लाइकन रॉक। इतने ताकतवर पोकेमोन के सामने एश वर्तनन्य मुन्ने पोकेमोन को लड़वा रहा है लेकिन इन चारों का बैटल बहुत ज्यादा शानदार होता है। इतना इंटेंस मैच होने के बाद एश और ओलिविया जी मूव का इस्तेमाल करवाते हैं राउलेट और प्रोबोपैस से और उन दोनों का अटैक इतना ज्यादा जानलेवा था कि वो दोनों मैच से बाहर हो जाते हैं। और फिर रॉकरफ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो वो बहुत ज्यादा तबाही तरीके से रॉक थ्रो का इस्तेमाल करता है लाइकन रॉक के ऊपर और उस अटैक से लाइकन रॉक का सफाया हो जाता है। जो पोकेमोन नंबर वन पे अपनी जगह बनाता है उसको बताने से पहले ये देखो, ये बता रहा है 80% से भी ज्यादा लोग जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो वो देखते जरूर है लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और शायद उन 80% में तुम भी शामिल हो। यार ऐसे अकेले अकेले वीडियो देख के क्या खुशी मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ी खुशी दो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। और जो पोकेमोन नंबर वन पे आता है वो है एश का पीकाचू। जैसा कि आपको पता है पीकाचू इवॉल्व होता है राइचू में तो एश का पीकाचू राइचू से तीन बार बैटल कर चुका है पोकेमोन एनिमी में। पहली बार एश के पीकाचू ने राइचू के साथ बैटल किया था कैंटो के थर्ड जिम बैटल में और वो बैटल काफी ज्यादा तगड़ा था और एश ने काफी तगड़ी स्ट्रेटेजी बनाई थी पीकाचू को जिताने के लिए। जब राइचू पीकाचू के ऊपर अपनी पूरी ताकत से थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है तो पीकाचू से बचने के लिए एश के कहने पर अपनी पूंछ के बल पे खड़े हो जाता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस जिम बैटल के आखिर में पीकाचू राइचू को हरा देता है। दूसरा बैटल होता है पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल में एश के पीकाचू और शू के राइचू के बीच, जहाँ पे दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं लेकिन मैच के आखिर में पीकाचू शू के राइचू को भी हरा देता है। और अगला बैटल होता है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड यानी पोकेमोन में, जहाँ पे पीकाचू और राइचू एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं लेकिन एश मैच खत्म होने से पहले ही पीकाचू को वापस बुला लेता है तो ये मैच पूरा नहीं हो पाता। तो इस वाले मैच को हटाए तो बाकी दोनों मैच में पीकाचू ने राइचू से जीत हासिल की है वो भी दो बार और इस लिस्ट में किसी ने भी अपने एवोल्यूशन को दो बार नहीं हराया है, इसलिए पीकाचू नंबर वन पे जगह बनाता है। और अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आपकी एक लाइक मेरा दिल खुश कर देती है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।